वेलकम, दिस इज एफ एस ब्लैक। आप सबको जैसे पता है, आज हमारी वर्ल्ड लीग स्टार्ट हो रही थी और आज हमारे मैचेस थे वर्ल्ड लीग के, लेकिन वो कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो मैचेस कैंसिल कर दिए गए हैं और बाकी जो मैचेस हैं वो कल से स्टार्ट होंगे। लेकिन हमें पबजी की तरफ से ऑफिशियल मैसेज आया कि आपको कल वाले मैचेस खेलना अलाउ नहीं है क्योंकि आपकी कंट्री में पबजी बैन है। उनकी तरफ से ये मैसेज आया है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपकी कंट्री में पबजी बैन है उस वजह से हम आपको अलाउ नहीं कर सकते जब तक आपकी कंट्री में या आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल से पबजी अनबैन नहीं कर देती थी। तो मेरी हमारे पीएम इमरान खान से रिक्वेस्ट है कि इसको अनबैन किया जाए, इस इशू को देखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड से टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं इस लीग में। पाकिस्तान से सिर्फ एक टीम है हमारी, और अगर उसकी भी स्लॉट कैंसिल कर दी जाएगी तो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप खुद एक स्पोर्ट्समैन है, आपको पता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होता है। आपको पता है एक प्लेयर जब एक स्पोर्ट्स के साथ खेलता है या उसका लिंक होता है तो उसके स्पोर्ट्स के लिए क्या फीलिंग्स होती हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस इशू को देखा जाए और पबजी बैन की जाए ताकि हम वर्ल्ड लीग खेल सकें और पाकिस्तान का रिप्रेजेंट कर सकें और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आई एम एफ एस मलिक, मेंबर ऑफ टीम फ्री स्टाइल। वी आर द विनर्स ऑफ पीएमसी ऑफ पाकिस्तान 2020 और हम वर्ल्ड लीग में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। हमारी टीम फ्री स्टाइल ने वर्ल्ड लीग के लिए क्वालिफाई किया है। वर्ल्ड लीग 10 जुलाई से स्टार्ट थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से 11 जुलाई को अब स्टार्ट है। और हमें आज ही पबजी वालों की तरफ से मैसेज रिसीव हुआ है कि आप वर्ल्ड लीग नहीं खेल सकते क्योंकि आपके कंट्री में पबजी बैन है और ये गवर्नमेंट के लॉज के अगेंस्ट है। मैं और मेरी टीम बहुत खुश थे कि पाकिस्तान को ऐसा पहली बार चांस मिला और हमने ये अवेल किया। लेकिन टीम फ्री स्टाइल पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने जा रही थी, लेकिन इस बैन की वजह से हम वर्ल्ड लीग नहीं खेल सकते। पाकिस्तान में पहले स्पोर्ट्स की इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, लेकिन इन यंगस्टर्स की टैलेंट की वजह से और पैशन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में स्पोर्ट्स आना शुरू हुआ। गेमर्स ने अपना कंटेंट शो करके और इसे अर्निंग शुरू की और अपना कैरियर सेट किया। इसी तरह पबजी मोबाइल वर्ल्ड लीग के थ्रू हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम अपने कैरियर सेट कर सकें और पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस बढ़ा सकें। और इस अननेसेसरी बैन की वजह से बहुत से यंगस्टर्स के कैरियर अफेक्ट होंगे और बाहर की कंपनीज कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगी। इस तरह के बैन इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की रेपुटेशन को बहुत डैमेज करेंगे। मेरी पीटीए ऑफिशियल से रिक्वेस्ट है कि फौरी एक्शन लें और पबजी अनबैन करें ताकि हम वर्ल्ड लीग का पार्ट बन सकें और पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकें। कोरोना वायरस की अफवाह खतरनाक है और ईमानलेवा हो सकती है। चंद तदाबीर आपके जिस्म और ईमान की सलामती के लिए ज़रूरी हैं। दिन में 5 बार बाजमात नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद में ज़रूर जाएं। पेशावराना और दीगर नामहरमों के साथ मेलजोल में कम से कम 10 फीट का फासला रखें। नामहरमों के साथ हाथ मिलाने गले मिलने से गुरेज करें। अपनी आँख मुँह और कानों के गलत इस्तेमाल से परहेज करें। बार बार कलमाए तजुबा दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार का विर्द करें। तिलावत कुरान और बाकी नेक अमाल की मकदार बढ़ा दें। अगर आपको कोई अलामत ज़ाहिर हों, मसलन शिर्क, वसवसे और शैतानी ख्यालात, तो तौबा करते हुए जल्दी से अल्लाह की तरफ रुजू करें। शुक्रिया।